अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों, हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में तो काफ़ी टाइम से सीख ही रहे हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वाइंडिंग सही होती है तो बीच में छोटे मोटे फॉल्ट भी होते हैं आर्मेचर के अंदर। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में बना रहा हूँ मैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आर्मेचर की लुपें बीच में शॉर्ट हो जाती हैं। दिखने में आर्मेचर बिल्कुल सही होता है मगर धक्का स्टार्ट हो जाता है। आपके साथ भी काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ होगा कि आर्मेचर की लुपें बंद आती होंगी, वाइंडिंग आनी चाहिए, ठीक है वाइंडिंग भी हो, लेकिन आपको रिपेयरिंग का भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत में चीज़ आपके पास आर्मेचर या वो मोटर आ जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप भाइयों को ये भी बताओ कि अगर आर्मेचर की लुपें बंद हो, वाइंडिंग आखिरी हल है, ठीक है। जब बिल्कुल आर्मेचर या कंप्यूटर बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है तो हम उसको फिर वाइंड, ज़ाहिर वाइंड करेंगे तो सही हो ही जाएगा, मगर उससे पहले के भी कुछ प्रोसेस होते हैं वो भी आपके इलम में होने चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो उस काम को कैसे करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है आपने। मेरे पास मोटर आई है और मोटर बिल्कुल मेरे को नहीं लग रही है, ऐसे इस्तेमाल भी नहीं हुई, मगर मैं इसको जब चला के चेक कर रहा हूँ तो ये है, देखो अभी ये बंद कर शो कर रही है ना, और ये देखो ठीक है, ये बंद हो रही है और ये स्पार्क भी कर रही है, सही। अब ये देखो कार्बन इसके बिल्कुल सही हैं, कार्बन का मसला नहीं है ये। अब यहाँ तक मुझे, मैंने ये भी देख लिया कि कार्बन तो ख़राब नहीं है, कार्बन इसके बिल्कुल सही हैं। तो मैं मोटर खोल के आपको फॉल्ट चेक करवाता हूँ कि फॉल्ट इसके अंदर ऐसा भी होता है कि अजीब अजीब से फॉल्ट भी आते हैं। अजीब तो नहीं, जो काम करने वाले हैं उनको पता होता है कि इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ टकरा जाती है। अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, आर्मेचर को निकाला, सीरीज ले ली और एक एक करके इसकी लुपें चेक करनी है। अब ये देखो ये लुप नहीं बोल रही, अब ये यहाँ तक की कंटिन्यूटी है और ये दो आपस में नहीं है और ये नहीं है, यानी कि ये बीच की दो जो है ना, और ये तीन लुपें बंद है, एक दो तीन, ठीक है ये बोल रहे हैं, और ये वाली सेगमेंट जो है ना ये नहीं बोल रहे, एक और ये दो, ये तीन नहीं बोल रहे, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं हम, ये देखें ये भी दो नहीं बोल रहे, ठीक है। चला इसके साथ बोल रहा है ये, और ये नहीं बोल रहा, ठीक है। बाकी सारे ओके हैं। अब ये देखो कितने पॉइंट हैं, ये नहीं बोल रहे आपस में। अब इनको करना क्या है, इस पर मारेंगे हम फाइल,
ठीक है, यहाँ तक इस तक करंट आ रहा है, ठीक है। अब ये आगे इसको करंट नहीं दे रहा, तो जो इसको करंट नहीं दे रहा, हम इन दो कुंडों को करेंगे आपस में शॉर्ट। ठीक है, ये हमने इन दो को आपस में शॉर्ट करा, और जो इसके आगे वाला है इसको करा हमने इससे शॉर्ट। हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये देखिए यहाँ से ही हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी पूरी हो गई। अब इन दो को हमने शॉर्ट करना है, तो ये कंटिन्यूटी होगी हमारी कंप्लीट। ये शॉर्ट रुक रहा है और दो ये शॉर्ट हुए। अब इसको फिट करके चलाकर चेक कर लेते हैं क्या सीन है अब इसका। ठीक है, अब हम इसको सीरीज़ पे पहले लगा कर चेक करते हैं, फिर लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें वार्निश हुई भी है ज़ाहिर है, नई मोटर तो पता चल जाएगा। हम भाई देख लिया आपने कि मोटर जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वाइंडिंग सही होती है, बीच में एक आध लूप जो है वो शॉर्ट होती है, तो मोटर स्पार्क करती है या फिर कंटिन्यूटी छोड़ देती है और जंप करती है, मतलब धक्का स्टार्ट हो जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको छोटे मोटे जुगाड़ों का भी पता होना चाहिए। वाइंडिंग तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो आपका टाइम भी बचता है और थोड़े इनकम सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, तो आपको जुगाड़ भी पता होना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था। मैं वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।